नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 में मनोविज्ञान विषय में चैप्टर पहला संवेदन ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण में हमने संवेदन के प्रकार पढ़े। उसमें आगे चार प्रकार पढ़ चुके हैं आप, और उसमें आगे का पॉइंट है स्पर्श संवेदन। स्पर्श मीन्स कि टच करना। मानव शरीर तंत्र की त्वचा जो है उसमें फैले हुए तंतुओं के द्वारा विविध प्रकार के चार स्पर्श संवेदनों का अनुभव होता है, जिसमें चार जो प्रकार है, चार प्रकार के, उसमें सबसे पहला है उष्ण, दूसरा है शीत, तीसरा है शीत मीन्स की ठंडी, यानी ठंडी गर्मी, पहला गर्मी, उष्ण मीन्स की गर्म, दूसरा है शीत मीन्स की ठंडी, तीसरा है स्पर्श या दबाव। स्पर्श कोई अपने को टच करता है अथवा तो अपने को हाथ से दबाव देता है, वो अपने महसूस करते हैं, उसी तरह से दर्द या वेदना। तो आदि चार प्रकार के जो अपने संवेदनों का अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में हुए अध्ययन दर्शाते हैं कि त्वचा पर फैली हुई अलग अलग संवेदनिक कोशों के उत्तेजन से अलग अलग प्रकार के स्पर्श संवेदनों का अनुभव होता है। अपने जो अलग अलग प्रकार की जो अपनी जो स्पर्श महसूस करते हैं उसके लिए अपने कोष जिम्मेदार है। कोष जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अपने को स्पर्श संवेदनों का अनुभव उसके द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, चेहरे एवं मुंह की त्वचा में उत्पन्न हुए, और यानी कि चेहरे और मुंह की त्वचा है उसमें जो उत्पन्न हुए चेता प्रवाह है वो मस्तिष्क के पश्चखंड तक पहुँचते ही हमें चेहरे के स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। तो अपना मस्तिष्क में जो पश्चखंड है वहाँ अपना ये स्पर्श का, चेहरे एवं मुंह की त्वचा को कोई स्पर्श करता है या कोई अपने को चोट लगती है तो वो तुरंत चेता प्रवाह जो है उसे मस्तिष्क के पश्चखंड तक पहुँचते जो संदेशा है वो पहुँचता है अपने को, तुरंत मस्तिष्क में जो संदेशा पहुँचता है उसकी वजह से अपने को स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। दूसरी बात ये रही कि जब अपने कंधे एवं कमर अथवा तो साथ में हाथ पैर से जो जुड़ी हुई त्वचा है, कंधे कमर हाथ पैर आदि जो अपने अंग है उसकी जो त्वचा है उसमें उत्पन्न होने वाले जो चेता प्रवाह है वो करोड़रज्जु के द्वारा पार्श्व मस्तिष्क में से मस्तिष्क के खांचे के बिल्कुल पीछे आए हुए त्वचा संवेदन केंद्र में पहुँचते ही हमें स्पर्श का अनुभव होता है या हम महसूस करते हैं। यानी कि जो अपना कंधा है, कमर है, हाथ पैर की जो त्वचा है उसमें अपना चेता प्रवाह करोड़रज्जु के द्वारा पार्श्व मस्तिष्क में से मस्तिष्क का जो खांचा है उसके बिल्कुल पीछे आया हुआ है त्वचा जो है वो संवेदन केंद्र में पहुंचते ही हमें स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। तो ये जो केंद्र है उसको जो क्षति पहुंचती है तो अपने पैर हाथ में कभी कभी जो लकवा हो जाता है व्यक्ति को तो महसूस नहीं कर पाता, उसको चोट लगती है तो पता नहीं चलता है, तो वो उसका केंद्र कमज़ोर होने की वजह से या उसको नुकसान होने की वजह से वो व्यक्ति स्पर्श का अनुभव कर सकता नहीं है। त्वचा के द्वारा जो अनुभव होने वाले हैं अधिकतर मिश्र प्रकार के होते हैं, और उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि ये ही अनुभव व्यक्ति को जो त्वचा के अलग अलग केंद्र है उसकी वजह से होता है। तो कारण जो है उसका, कोई भी उद्दीपक त्वचा के संपर्क में जो आता है तो सामान्य रूप से एक से अधिक केंद्रों को उद्दीप्त करता है, जिसके एक ही साथ एक से अधिक स्पर्श संवेदन का अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को वर्षा यानी कि बारिश हो रही है, उसकी जो पानी की बूंद है वो अपने शरीर पर गिरने से या शरीर पर पड़ने से हमें स्पर्श एवं साथ साथ में ज़्यादा अपने जो भीगते हैं पानी में तो हमें ठंडी का भी अनुभव होता है, या संवेदनों का एक साथ ये दोनों संवेदनों का अपने को अनुभव होता है। तो आज ये अपने ने जो अपने ये आकृति में दर्शाया उसी तरह व्यक्ति को वेदना का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, साथ साथ में गर्मी ठंडी दबाव आदि का अनुभव व्यक्ति करता है। तो आज के ये
जो अपने ने इस तरह से संवेदन के जो पांच प्रकार है वो सभी अपने ने पढ़ चुके। उसमें सबसे पहला अपने ने पढ़ा था दृष्टि संवेदन, दूसरा है श्रवण संवेदन, तीसरा है गंध संवेदन, चौथा स्वाद संवेदन और पांचवा स्पर्श संवेदन। तो ये पांचों आपको याद रखना है और ये बारी बारी आपको मैंने समझाया वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ये चैप्टर में संवेदन के लिए, संवेदन अर्थात क्या तो उसकी व्याख्या, फिर संवेदन और उसका अर्थ उसकी व्याख्या लिख लो, फिर संवेदक के प्रकार कौन से हैं वो मैंने आपको समझाया था, बाह्य संवेदक, शारीरिक संवेदक, आंतरिक संवेदक। ये तीन संवेदक है, संवेदन और संवेदक दोनों में डिफरेंट है। संवेदक के प्रकार तीन है और संवेदन के संवेदना के प्रकार पांच है जो मैंने आपको अभी समझाया, तो उसमें सभी को आप सभी मैंने आपको डिटेल से समझाया है। और स्पर्श संवेदन तो व्यक्ति फॉर स्पर्श संवेदन का आपको एक लास्ट एग्जांपल दे दूँ कि बालक जो होता है वो आँख को स्पर्श करता है तो उसको जलता है, तो जिस जो उसको जलन महसूस होती है तो वो भी एक स्पर्श का अनुभव है। उस तरीके से कोई अपने को चिमटी काटे या कोई तो उसकी वजह से अपने को पीड़ा होती है तो वो भी अपने स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम बाद के वीडियो में देखेंगे।